हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 40 to 45 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर है जो कि कवर करते हैं। इसके अंदर आपके सारे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, पीआईबी, पीआरएस, सब कुछ है दोस्तों जो कि हम इसके अंदर कवर करते हैं। और आपको हर एक एग्जाम में, चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, 70 to 80 इनफैक्ट 90% का क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंट ये है कि आप डे बाय डे जो दुनिया में, देश में चल रहा है उसके बारे में अपडेटेड रहते हैं। आप किसी भी फील्ड में कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको हमेशा जो है ये पता रहेगा कि क्या है जो कि देश में, दुनिया में चल रहा है। ओके गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कल था रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे के ऊपर दोस्तों मैं कल क्लास अपनी नहीं हो पाई थी, ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजन आवाज आना बंद हो गई थी बीच में किसी कारण की वजह से। तो आज हम लोग दोनों दिन का कवर है जो कि करने वाले हैं, यानी कि 26 जनवरी और 27 जनवरी दोनों दिन का न्यूज़पेपर है जो कि हम लोग कवर करेंगे। ओके गाइस, ठीक है, चलिए। तो एक बार सारे बच्चे जो है वो वीडियो को शेयर कर दो, सो दैट सभी बच्चे जो है वो कवर कर सके। और एक बार, ठीक है, चलिए। तो 45 मिनट के सेशन के अंदर आपको ये सब चीजें हैं जो कि देखने को मिलेगी। प्रीवियस डे के कुछ क्वेश्चन, कोट ऑफ द डे, आज के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर, कल के भी, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट और क्वेश्चन फॉर द डे। ओके गाइज, चलिए। तो आवाज आवाज परफेक्टली आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक बार वीडियो को शेयर कर देना। ये सारे एग्जाम है जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं, सारे एग्जाम में दोस्तों आपको काफी हेल्प है जो कि मिलेगी। प्रीवियस डे के क्वेश्चन की बात करें जो कि मैंने आपको दिए थे परसों, तो क्योंकि कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तर पूर्वी परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। हलवा सेरेमनी किससे एसोसिएटेड है? तो ये यूनियन बजट से संबंधित है। आपसे मैंने पूछा था नेशनल मिनी आदि महोत्सव, इसकी शुरुआत कहां पे हुई है? तो ये लखनऊ के अंदर है दोस्तों जो कि हुई है। इसके अलावा ईस्टर्न काउंसिल के बारे में हमने बात करी थी, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1971 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। दूसरा भी सही है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली ये वाली पोजिशन भी पा लेगा, समझ गए मेरी बात, ये है ना। तो इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी, तो ये गुवाहाटी में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है आपके शिलोंग के अंदर, मेघालय में। तो ए और बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि होना चाहिए। नेक्स्ट था कि 24वां हुनर हाट है जो कि लखनऊ में स्टार्ट हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसका थीम वोकल फॉर लोकल रखी गई, बिल्कुल सही बात है। इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा, ये बात गलत थी यहाँ पे, माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा करवाया गया था ना। तो आपका ए और बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है गाइस। कोट ऑफ द डे की बात करते हैं, कोट ऑफ द डे नहीं है, जोक ऑफ द डे, जो कि एक जोक है जो कि मोहित ने भेजा था, एक बार वो देख लेते हैं। जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे थे, एक हंस हंस के लोटपोट हो रहा था जबकि दूसरा बहुत ज्यादा उदास था। पिता ने पूछा इतना ठंडा, इतना क्यों हंस रहे हो? तो बच्चा ने बोला इतनी ठंड में मम्मी ने दोनों बार इसी को निला दिया। ओके, तो जुड़वा बच्चे थे, पता नहीं चला कौन सा क्या था, दोनों बार एक ही को जो है वो ठंड के अंदर निला दिया। तो एक तो बहुत ज्यादा हंस रहा था और एक बहुत ज्यादा उदास था। ओके, तो आज कोट ऑफ द डे की जगह जोक ऑफ द डे। रिमन चैनल की क्लासेस स्टार्ट हो रही है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो होगी मंडे को। ओके, तो मंडे को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास जो कि करेंगे जो कि आपकी होगी हिस्ट्री की क्लास, ठीक है गाइस। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, स्पेशल क्लास फ्री। आगे बात करते हैं जो कि देखते हैं द हिंदू को लेकर, द हिंदू की बात करें। ओके चलिए चलिए, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के न्यूज़पेपर की। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रिज टू यूपी क्लोज राइड ऑफ फार्मर्स रैली। तो कल अगर ये सेशन होता तो मैं कल आपको यही समझाता और कल मैं आपको यही बताने वाला था कि कुछ भी किसी भी तरीके से वायलेंस जो कि नहीं होनी चाहिए 26 जनवरी को। तो काफी कुछ है जो कि कल हो गया, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले कल का न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये था, फार्मर्स रैली को लेकर था। इसके अलावा इंडिया और चाइना की दोस्तों ट्रुप्स जो है उनका क्लैश हुआ था नाथुला के ऊपर, तो कल के न्यूज़पेपर में था, इसके बारे में भी बात करेंगे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण यानी कि पद्म अवार्ड है दोस्तों जो कि दिए गए, इनके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें तो ये सारे के सारे तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो कि कल के द हिंदू के अंदर थे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया चाइना ट्रुप्स को लेकर, इनको नाकुला के अंदर दोस्तों क्लैश हुआ है। तो अभी माइनर फेस ऑफ है दोस्तों जो कि लास्ट वीक के अंदर हुआ था, आर्मी के द्वारा बताया गया है, और बीजिंग ने दोस्तों इसको साफ तौर पर मना कर दिया। चाइना ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने, हमारी आर्मी ने इसको एक्सेप्ट किया है कि यस लास्ट वीक के अंदर नाकुला जो सिक्किम के अंदर है
वहां पे इंडिया और चाइना के ट्रुप्स के बीच में क्लैश है जो कि देखने को मिला, जिसमें नियर बाय 20 के आसपास है जो कि चाइनीज तरफ के सोल्जर्स के इंजरी हुई और नियर बाय 4-5 हमारे जवान थे जिनके इंजरी है जो कि देखने को मिली थी। क्या ये नाकुला के अंदर पहली बार हुआ है? ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लैशेस दोस्तों होते रहते हैं। मई 2020 के अंदर भी ऐसा ही क्लैश है जो कि यहाँ पे देखने को मिला था। साथ में 9 राउंड दोस्तों कमांडर लेवल की मीटिंग का हो चुका है, लेकिन अभी भी चाइना जो है वो अभी भी मान नहीं रहा है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे क्लैशेस होते रहते हैं। और अभी 10th राउंड है दोस्तों जिसकी बातचीत जल्दी ही होने वाली है। ओके गाइज, तो इससे पहले आपने देखा होगा सिक्किम के अंदर डोकलाम भी एक बहुत बड़ा इशू बना था, जहां पे 2 महीने तक ऑलमोस्ट जो है हमारी सेना ने जो है वहां पे पूरा अपना पूरा पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी उस टाइम पे, क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंट वहां पे भी हो गया था डोकलाम पे और अभी यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो इंडियन आर्मी ने साफ तौर पर यहाँ पे इसको एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन चाइनीज आर्मी ने इसको साफ तौर पर मना कर दिया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चाइनीज जो है स्टेटमेंट है उनकी तरफ से आया कि उनको ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है, मतलब ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट है दोस्तों जहां पे मेजरली क्लैशेस देखने को मिलते हैं, 1, 2 और 3। एक अपना वेस्टर्न साइड है, एक सेंट्रल है और एक अपना ईस्टर्न साइड है। देखिए सेंट्रल के साइड पे ये बहुत ही कम क्लैश देखने को मिलता है, बहुत ही कम कॉन्ट्रोवर्शियल है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ में तिब्बत की बॉर्डर है, आपको मालूम है तिब्बत जो है वो चाइना के अंडर में है तो ये। लेकिन यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर जो अपना लद्दाख वाला एरिया है, एक तो यहाँ पे क्लैशेस देखने को मिलते हैं और एक अपने अरुणाचल प्रदेश साइड देखने को मिलते हैं, यहाँ पे काफी कॉमन है वैसे। और सिक्किम की बात करें तो देखिए सिक्किम तो प्रॉपर 100% जो है वो चाइना ने भी रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो यहाँ पे तो इशू होते नहीं है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इशू हो रहे हैं। चाइना के साथ में हम लोग 4050 किलोमीटर की बाउंड्री है जो कि शेयर करते हैं, जिसमें से चाइना बोलता है कि 3200 किलोमीटर की बाउंड्री है जो कि डिस्प्यूटेड है। लेकिन हमारे तरफ से कोई डिस्प्यूट नहीं है, अरुणाचल हमारा पार्ट है और ये जो पार्ट है दोस्तों जम्मू कश्मीर का लद्दाख का ये भी हमारा ही है, तो इसमें हमारी तरफ से कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। तो ये डोकलाम वाला भी ट्राई जंक्शन आप देख सकते हैं जो कि भूटान इंडिया और चाइना की बॉर्डर के ऊपर हुआ था। ठीक है गाइस, ये है दोस्तों नाकुला जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये है नाकुला पास, आप देख सकते हो बिल्कुल सिक्किम के टॉप के ऊपर है। ठीक है गाइस, ओके चलिए आगे बात करते हैं। सिक्किम के बारे में बात करें तो देखिए ये यूनियन के अंदर 1975 में आया था, गैंगटॉक कैपिटल है, 4 ही यहां पे डिस्ट्रिक्ट है, गंगा प्रसाद जी गवर्नर, सीएम कौन है, प्रेम सिंह जी सीएम है, 32 विधानसभा, 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा की सीट है। इसके अलावा इंग्लिश यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज है ना, ये सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे चलती हैं। ओके, एसडीआई के अंदर लिटरेसी के अंदर बहुत ही आगे है और एक तरीके से इसको ठीक है काफी मतलब अच्छा कल्चर जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलता है, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा स्टेट है। तो यहाँ पे मैमल की बात करें तो रेड पांडा है, बर्ड की बात करें तो यहाँ पे पीसेंट और नोबल डेंट्रोबियम यहाँ पे फ्लावर है और रोडोडेंड्रॉन है जो कि यहाँ पे स्टेट का ट्री है। ओके गाइज, तो यहाँ पे असेंबली ऑफ सिक्किम ने अबॉलिश किया था मोनार्की और ये भारतीय संविधान में रेफरेंडम हुआ था दोस्तों, जहाँ पे ज्यादातर लोगों ने अपने वो मेजोरिटी किसको दी थी, भारत में इंक्लूड करने को लेकर। तो 15 मई 1975 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रेक्टिफाई किया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और सिक्किम को हमने 22वां राज्य है जो कि बनाया था। थोड़ा बहुत सिक्किम की इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके चलूंगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आज से 300 साल पहले दोस्तों यहाँ पे है ना नामग्याल डायनेस्टी का रूल है जो कि हुआ करता था। नामग्याल डायनेस्टी है जो कि रूल किया करती थी। ओके, जो कि यहाँ पे किंग थे ना उनको क्या बोलते थे, यहाँ पे चौगल है जो कि कहा करते थे इनके किंग को। तो यहाँ पे बहुत सालों तक इनका रूल रहा था। यहाँ पे देख सकते हो आप 1642 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि नामग्याल डायनेस्टी के रूलर यहाँ पे उन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट किया था और ये तिब्बत के ही थे लेकिन उन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट किया था। ओके, सिक्किम जो है वो चुंबी वैली हो गया, दार्जिलिंग का ही पार्ट हुआ करता था, बाद में दोस्तों ये पीछे वाले जो चुंबी वैली और ये सब तो अलग एरिया बन गया। ओके, उसके बाद में 1706 के टाइम पे 18th सेंचुरी में बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिले सिक्किम के अंदर, नेपाल, भूटान, तिब्बत, काफी सारे दोस्तों यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिले। फाइनली दोस्तों ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, काफी कंट्रोल कर लेते हैं और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि नेपाल के ऊपर अटैक करके सिक्किम को जो है अपने अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि ले लेती है। यहाँ पे गोरखा वॉर हुई थी, गोरखा वॉर हुई थी एक 1814 या 1816 के टाइम पे हुई थी, तो उस टाइम पे नेपाली को हरा देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ओके, तो उसके बाद में दोस्तों ये उनके पास में आ जाती है। कंपनी ने दोस्तों दार्जिलिंग को भी परचेज कर लिया था इन रूलर से, इन रूलर की हुआ करता था दार्जिलिंग, तो कंपनी ने पैसे दिए और दार्जिलिंग को खरीद लिया। ओके, ब्रिटिश इंडिया का एक पार्ट बन गया था सिक्किम है और उसके बाद में बाउंड्रीज डिसाइड हुई, लेंस डॉन करके एक वाइसराय थे उन्होंने यहाँ पे तिब्बत के साथ में एक साइनिंग करा। ओके, लहासा कन्वेंशन हुआ,
ऐसे करते करते। तो जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, 1947 देश की आजादी नहीं हुई, तब तक दोस्तों दिल्ली और गैंगटॉक एक तरीके से ज्यादा क्लोज नहीं थे। लेकिन 1950 के अंदर यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने ट्रीटी साइन करी, ठीक है, और इंडिया और सिक्किम के रिलेशनशिप थोड़े से बेटर हो गए। लेकिन वहां पे दोस्तों मोनार्की के खिलाफ कई बार आवाजें उठती गई और एक बार आवाज बहुत ज्यादा हो गई, तो फाइनली दोस्तों इंडिया ने इंक्लूड किया और 3 लाख की पॉपुलेशन थी उस टाइम पे सिक्किम की, और हमने 40,000 जवान है जो कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने भेज दिए थे। ओके, और फाइनली दोस्तों वहां पे रेफरेंडम करवा के इंडिया को का पार्ट है जो कि इसको बना लिया गया। ओके गाइज, तो ये इस तरीके से पूरा इतिहास है सिक्किम का जो कि मैंने आपको बता दिया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए कभी आप घूमना चाहें तो जा सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। चलिए ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको शॉर्ट के अंदर जो है वो समझा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 60,000 लोगों ने फेवर किया था मोनार्की को अबॉलिश करना और भारत को ज्वाइनिंग को लेकर, और 1,500 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया था, और फाइनली दोस्तों अप्रूवल हुआ और सिक्किम हमारा राज्य बन गया, ठीक है, राज्य बन गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि मैंने कल के था, ये देखिए कल 3 जगह है जो कि डिसाइड कर ली गई थी कि जो फार्मर रैली है ओके वो इन तीनों जगह के ऊपर जाएगी। लेकिन कल के दिन जो है वो थोड़ा सीन अलग हुआ, जो यहाँ पे पैक्ट हुआ था 3 अलग अलग जाने को लेकर, कई लोग हैं मतलब जो कि दिल्ली के अंदर जो है वो आ गए। हालांकि सारे के सारे किसान की जो बात हुई थी वो पूरे के पूरे नहीं आए, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे आ गए। इसके अलावा दोस्तों 1 फरवरी को पार्लियामेंट को लेकर भी मार्च है जो कि यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, तो सरकार को कुछ जल्दी ही करना चाहिए ताकि वायलेंस क्रिएट ना हो और जल्दी से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। मतलब अपने बिल को वापस से रिपील है जो कि सरकार को कर लेना चाहिए, क्योंकि जब किसान खुद ही एग्री नहीं है तो फिर वो बिल लाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो एक पार्लियामेंट की तरफ कूच करने को लेकर 1 फरवरी डेट डिसाइड करी गई है। तो 26 जनवरी को भी इतने पंगे हो गए तो 1 फरवरी तो और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का घेराव आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। ये कुछ उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे कि यूएस के अंदर हुआ है ना। चलिए, तो इसके अलावा बात करते हैं पद्म विभूषण को लेकर। तो पद्म विभूषण और पद्म अवार्ड है दोस्तों जो कि रिसेंटली दिए गए, ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 7 लोगों को दोस्तों पद्म विभूषण और 10 लोगों को पद्म भूषण है जो कि दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले बाला सुब्रमण्यम जी का नाम आपने सुना होगा, पोस्टमसली मिला है 8 से तमिलनाडु। इसके अलावा हेगडे जी है मेडिसिन कर्नाटका से, मोरप्पा हेगडे जी, और वहीउद्दीन खान जी है स्पिरिचुअलिज्म दिल्ली, नरेंद्र सिंह जी है साइंस एंड इंजीनियरिंग के यूएस, सुदर्शन साहू आर्टिस्ट है उड़ीसा के, बीबी लाल ओके आर्कियोलॉजिस्ट है दिल्ली के, और शिंसो एबे दोस्तों आपको मालूम है जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर दोस्तों, अभी तो यहाँ पे सुगा जी बन चुके हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे जो कि रिपब्लिक डे की परेड पे आए थे 2014 के अंदर, मालूम है आपको। ओके, और मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी दोनों के साथ में इनके रिलेशन काफी अच्छे रहे शिंसो एबे के, तो विभूषण अवार्ड इनको दिया गया। बाला सुब्रमण्यम आपको मालूम है दोस्तों, और 50 सालों तक फिल्म के अंदर और वर्ल्ड म्यूजिक के अंदर 16 लैंग्वेजेस के अंदर इन्होंने काम किया है। मदर टंग इनकी तेलुगु थी, लेकिन ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है जिसके अंदर ये काम नहीं किया इन्होंने। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मोनप्पा हेगडे जी की, तो ये बहुत ही जबरदस्त दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट है जो कि माने जाते हैं, वाइस चांसलर थे मणिपाल यूनिवर्सिटी के। ओके, और ठीक है गाइस, इसके अलावा नरेंद्र सिंह जी की बात करें तो इन्होंने दोस्तों हाई स्पीड इंटरनेट की नींव है जो कि रखी है। देखो भाई, ये तो आपको नाम भी पता होना चाहिए और किसने क्या काम किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके नाम पे, नरेंद्र सिंह जी के नाम पे 100+ पेटेंट है दोस्तों जो कि इन्होंने करवा रखे हैं। पेटेंट तब होता है जब आप कोई इनोवेशन करते हो, समझ गए मेरी बात। चलिए मौलाना की बात करें दोस्तों, वहीरुद्दीन खान जी की, तो ये स्पिरिचुअलिज्म से है, दिल्ली से इस्लामिक स्कॉलर है और कई सारी किताबें लिखी है। सोशल हार्मनी को दोस्तों काफी एडवोकेट करते हैं, इंटरफेथ डायलॉग को लेकर काफी बात करते हैं। ओके, तो काफी ठीक है, सही, मतलब इनकी आइडियोलॉजी है, इसी वजह से इनको पद्म भूषण अवार्ड 2000 में मिला और अभी पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं बीबी लाल जी को लेकर, आर्कोलॉजी के अंदर दोस्तों बहुत ही फेमस थे, और एक्सकवेशन जब राम जन्मभूमि साइट के ऊपर हुआ था ना, राम जब बाबरी मस्जिद के नीचे टेम्पल के जो हमें प्रूफ मिले थे उसके अंदर, एक्सकवेशन के अंदर जो लीड किया था वो बीबी लाल जी ने ही लीड किया था, समझ गए। पद्म भूषण इनको 2000 के अंदर मिला। सुदर्शन साहू की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त दोस्तों आर्टिस्ट है, और सुदर्शन आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज जो है भुवनेश्वर में उसके फाउंडर रहे हैं, और पद्मश्री से इनको 1988 में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पद्म भूषण अवार्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों चित्रा जी है, सुमित्रा महाजन जी है, नरपिंद्र मिश्रा जी है, खुशीबाई पटेल, रजनीकांत देवदास, कालबे सादिक, तालोचान सिंह,
रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले, चंद्रशेखर जी हो गए, तरुण गोगोई जी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे के उनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। आपको मालूम होगा कि ये जो पद्म अवार्ड है ना, ये साल में 2 बार होते हैं अनाउंस, ट्वाइस ही नहीं है, एक बार 15 अगस्त को और एक 26 जनवरी को, मालूम है ना। नहीं सॉरी, ये वाले नहीं होते, जो अपने गैलेंट्री अवार्ड होते हैं वो 2 बार होते हैं, ये तो वंस एक बार ही होते हैं। गैलेंट्री अवार्ड है जो कि आपके 2 बार होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड जो है आर्मी के वो ट्वाइस इन ईयर होता है, ये वाले पद्म भूषण अवार्ड तो वंस ही एक बार ही होता है, 2 बार हो ही नहीं सकते मतलब। ठीक है, तो ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं आपको मालूम है, और है ना एक सेरेमनी होती है राष्ट्रपति भवन के अंदर अप्रैल और मार्च और अप्रैल के अंदर, और पद्म विभूषण अवार्ड मिलता है जो बहुत ही एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, पद्म भूषण मिलता है किसी हाई ऑर्डर के तौर पर अगर आप काम कर रहे हो, और पद्मश्री दोस्तों किसी भी फील्ड के अंदर आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो आपको मिलता है। ओके, रिपब्लिक डे के ऊपर दोस्तों हर साल इसका अनाउंसमेंट होता है, कई सारे फील्ड के अंदर, सोशल, आर्ट, पब्लिक वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड इंडस्ट्री, बहुत सारे फील्ड के अंदर मिलता है। इस बार दोस्तों 119 पद्म अवार्ड दिए गए, 102 पद्मश्री है उसके अंदर, ध्यान रखिएगा कितने नंबर है ये भी पता होना चाहिए। 119 में से 102 आपके पद्मश्री अवार्ड है, इसमें एक ट्रांसजेंडर भी है और 29 वुमेन है इस बार के 2021 के अवार्ड के अंदर। 10 लोग हैं जो कि फॉरनर्स, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, POI वाले हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप वाले हैं, और 16 लोग हैं जो कि पॉस्थमसली जिनको मिला है। तो ये तीनों पॉइंट आपको एग्जाम के लिए ध्यान है जो कि रखने हैं, समझ गए मेरी बात। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके, एक बार सारे बच्चे शेयर कर देना। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 9 दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही फनी फोटो भी आई हुई है। यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने बताया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है पिछले 6 सालों के अंदर बहुत हाइट के ऊपर चला गया 2020 के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि इस बार जो है लॉकडाउन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी देखने को मिली पूरे देश में ही। तो 70% जो कंप्लेंट्स आई है वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल वायलेंस को लेकर आई है। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 86% इंडियन वुमेन जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस विटनेस करी है ना, उन्होंने कोई भी हेल्प है जो कि नहीं मांगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे कंट्री के अंदर की छोटे बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, वीकर सेक्शन होते सोसाइटी के ऊपर अत्याचार होते हैं और कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, यही सबसे बड़ी कमी बनती है। ओके, तो एज ए अगर आप लोग पढ़े लिखे हो, अगर आप लोग सच में अगर एक अच्छे सिटीजन हो, तो अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही वीक है, आवाज नहीं उठा पा रहा है, तो उसकी जगह पे एटलीस्ट किसी और को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन सबको ये लगता है कि भाई मैं क्यों, और इसी वजह से वायलेंस जो है वो वायलेंस बन के रह जाती है, मतलब उसकी कोई रिपोर्ट्स भी नहीं होती है, और इसी वजह से बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा है जो कि महिलाओं को देखने को मिलता है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, कभी भी, नेवर एवर, आप चाहे कितने ही बड़े बन जाओ, कितने ही ब्रिलियंट बन जाओ, आप लाइफ में कितना भी अचीव करो, नेवर एवर चैलेंज एनी डिग्निटी, एनीवंस डिग्निटी, किसी की भी डिग्निटी को चैलेंज मत करना, चाहे वो महिला हो, सकता है कि वो कोई करियर नहीं बना रही हो सकता है वो घर का काम कर रही हो, लेकिन वो भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ा काम होता है, समझ गए मेरी बात। ये फैमिली को संभालना भी अपने आप में फुल टाइम वर्क होता है, एंड वी हैव टू अप्रिशिएट दिस, हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते इस चीज को, कभी हमारी मदर की, हमारे कभी उनके 7 डे के अंदर किसी दिन हॉलीडे नहीं होता है, जब हमारा कोई फेस्टिवल होता है तब उनका काम डबल होता है और हमारा हॉलीडे होता है। ओके, तो वी शुड हैव टू अप्रिशिएट देयर वर्क, महिलाओं का बहुत मुश्किल काम होता है और ये अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, लेकिन नॉर्मली ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल वायलेंस का मेन कारण जो है वो यही होता है कि लोग अपने से छोटा समझने लगते हैं, उनको लगता है मैं जॉब कर रहा हूं तो ये जॉब नहीं है, वो भी अपना काम कर रही है, मतलब वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे देखिए मतलब एक बहुत ही फनी आर्ट बनाया गया है, एक बच्चा बोल रहा है ये तो देखो इट्स ए बर्ड, फिर एक बोल रहा है नहीं इट्स ए प्लेन, फिर एक बोल रहा है इट्स माय डैड। ये पेट्रोल के प्राइसेस बताए गए हैं, मतलब आसमान छूते जा रहे हैं, मतलब जयपुर में 93 रुपीज तक पहुंच चुका है, और जयपुर के अंदर एक श्री गंगानगर है वहां पर तो 96-97 रुपीज तक पहुंच चुका है, डीजल के हालात है वो डीजल भी 85 पे पहुंच चुका है। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 11 दोस्तों, यहाँ पे गलवान वैली के जो हमारे हीरो थे उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया है 445 गैलेंट्री अवार्ड और कई सारे डिफेंस डेकोरेशन रिपब्लिक डे के ऊपर अनाउंसमेंट करे गए हैं। तो आपको मालूम है दोस्तों की जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, जो CO थे, कमांडिंग ऑफिसर थे 16 बिहार रेजिमेंट के, जो की गलवान के अंदर डिप्लॉय किया गया था, जब ये आपको मालूम है ना ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हुआ था गलवान वैली के अंदर दोस्तों, कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन स्नो लैपर्ड है जो कि हुआ था, ध्यान रखिएगा। ओके, और उसके अंदर जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो CO थे वो अपने संतोष बाबू थे। ओके गाइस,
उनके साथ में हमारे 19 और जवानों ने जो है जवान शहीद हुए थे चाइनीज ट्रूप के साथ में जून के टाइम पे, और इनको पोस्टमसली सेलेक्ट किया गया है महावीर चक्र को लेकर, जो कि सेकेंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। कौन सा है? वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो हमने मतलब ये माना है कि वो एक तरीके से वॉर ही थी, तभी हमने गैलेंट्री अवार्ड दोस्तों कौन सा महावीर चक्र से सम्मानित किया है। ओके गाइस, इसके अलावा पांच और अपने जवान है जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। देखो सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र, उसके बाद होता है महावीर चक्र, उसके बाद होता है वीर चक्र। तो ये जो तीनों चक्र मिलते हैं ना, ये किस लिए मिलते हैं? वॉर टाइम के ऊपर मिलते हैं, जब वॉर वाली कंडीशन होती है ना, तब वहां पे जब कोई बहादुरी दिखाता है तब ये अवार्ड है जो कि मिलता है। समझ गए मेरी बात? और इसके अलावा पीस टाइम के भी अवार्ड होते हैं ना, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है, ये देखिए वॉर टाइम वाले परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। अगर कोई पीस टाइम की बात करें तो आप मिलता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ओके, और अगर आप अपनी किसी आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में अगर आप बहुत ही जबरदस्त सर्विस देते हो तो आपको डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल मिलते हैं, जिसको सेना, नौसेना और वायुसेना मेडल है जो कि हम लोग कहते हैं। समझ गए मेरी बात? ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर भी सवाल बनेगा। ओके गाइज, चलिए अभी जैसे कि हमारे यहाँ पे दोस्तों हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन जो है वो महावीर चक्र है, आपको पता होना चाहिए। मतलब बहुत सारे देश में 80% लोगों को तो यही नहीं पता कि महावीर चक्र किस लिए मिलता है। मतलब कितनी अजीब बात है कि एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कुछ दिन पहले की बात है, देयर वाज अ वन गाय, मतलब काफी अच्छी पोजिशन के ऊपर है, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ही डोंट नो अबाउट महावीर चक्र। तो आई वॉज शॉक्ड कि मतलब देश में रहने के बाद कैसे हम लोग हमारे जवान और किसान को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करेंगे, जब हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है मतलब हमारी चीजों के बारे में। तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, मतलब सबके अपना अपना चॉइस है कि किसी को नॉलेज लेनी है कि नहीं लेनी है, इट्स कम्प्लीटली अप टू देयर चॉइस, बट इवन दो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए इंडिया की बात करें तो परमवीर चक्र है, लेकिन और भी कई सारे कंट्रीज में ऐसे अवार्ड मिलते हैं, जैसे कि जर्मनी का बहुत ही फेमस है आयरन क्रॉस अवार्ड, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, यूएस का बोलते यूके का जो है वो है विक्टोरिया क्रॉस, फ्रांस का क्योर डी ग्यूज, यूएस का मेडल ऑफ ऑनर मिलता है, और इटली के अंदर मेडल फॉर वेलोर है जो कि यहाँ पे मिलता है। ओके गाइस, ठीक है चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, जान के आपको हैरानी होगी कि इस लॉकडाउन के अंदर एक तरफ दो भारत है दोस्तों जो कि बसे हैं इस लॉकडाउन के अंदर। एक दो भारत है, एक भारत वो जो कि अमीर से बहुत अमीर बन गए कोविड-19 की टाइम की बात कर रहा हूँ, 1 साल की 2019 जो कोविड वाले ड्यूरेशन की, और एक भारत वो जिनके पास में जॉब थी और 12 करोड़ के आसपास लोगों की जॉब्स है जो कि चली गई। तो एक दोस्तों ये था और एक था जो कि बहुत ज्यादा पुअर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट आई है, यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सफर्ड रिपोर्ट है जो कि यहाँ पे आई है, और इंडियन बिलियनियर्स की जो वेल्थ है जो वो 35% है दोस्तों जो कि इंक्रीज हो गई, $3 ट्रिलियन इंक्रीज हो गई सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के अंदर। ओके, सबसे ज्यादा जो है वो यूएस, सेकंड नंबर पे चाइना के लोगों की हुई है, और ठीक है यूएस, चाइना, जर्मनी जो बड़े बड़े देश है इन लोगों ने तो काफी घर किया ही है, रशिया हो गया और फ्रांस हो गया, ठीक है। उसके बाद अपना आता है इंडिया जहां पे 35%, 1, 2, 3, 4, 5 और छठे नंबर पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट है जो कि यहाँ पे पब्लिश हुई है, इसका नाम क्या है? इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। ओके, ये इस रिपोर्ट का नाम है कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिली है। तो 100 बिलियनियर दोस्तों, जो जो 100 बिलियनियर है ना उनके अंदर दोस्तों जो वेल्थ है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला, और 13 करोड़ जो लोग थे दोस्तों, अगर मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि अगर जो ये 35% जो पैसा कमाया है ना, चलो एक कंडीशन बताता हूं मैं आपको, जो 100 बिलियनियर है जो टॉप के 100 अमीर आदमी है, उन्होंने जो लॉकडाउन के अंदर पैसा कमाया है, अगर वो दोस्तों बांट किया जाए 13 करोड़ गरीब भारतीय पुअर लोगों के अंदर, तो आपको मालूम है हर एक आदमी को कितना पैसा मिलेगा? 94,000 रुपीज है जो कि हर एक आदमी को 13 करोड़ पुअर भारतीयों को मिल जाएगा। ओके, मतलब और 11 बिलियनियर की बात करें तो पूरे के पूरा मनरेगा के अंदर जो है वो चला सकते हैं, मतलब काम इतने ज्यादा, जिसके अंदर हाईएस्ट वेल्थ दोस्तों जो इंक्रीज हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो 12-13 लाख करोड़, मतलब जो है वो इंडिया के टॉप 100 बिलियनियर की वेल्थ है जो कि इंक्रीज हुई है। कितनी? 13 लाख करोड़ इंडिया के टॉप 100 बिलियनियर की।
एक साल के अंदर, मतलब जिसमें से 12 करोड़ लोगों ने तो अपनी नौकरी खो दी बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, और 75% इसमें से इनफॉर्मल सेक्टर थे। तो ऐसा बोला जा रहा है गाइस कि अगर 4% वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए ना इन 1,000 लोगों के ऊपर जिन्होंने इतना ज्यादा पैसा कमाया है, 4%, सिर्फ 4%, मतलब कुछ ज्यादा नहीं, 4% वेल्थ टैक्स। ओके, फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत होता है। तो पता है क्या होगा, 1% जीडीपी जो है दोस्तों वो बढ़ जाएगी, समझ सकते हो कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 79% दोस्तों ST SC हाउस होल्ड जो थे, 66% SC जो थे, उनको तो टेस्टिंग और अवेयरनेस जो है आयुष्मान भारत उसके बारे में भी पता नहीं, मतलब ठीक है वो ही पता नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुकेश अंबानी जी की जो वेल्थ है वो $36 बिलियन से 77 हो गई, आर दमानी जी की 13 से 18, शिव नडार की 11 से 21, उदय कोटक की 10 से 15, और गौतम अडानी ने जो दोस्तों छक्का मारा है इस बार COVID-19 के अंदर, ऐसा लगता है कि दुनिया में COVID-19 आया ही इनके लिए था। मतलब 300 गुना ज्यादा, 300% ज्यादा इनकी वेल्थ है जो कि हो गई है, 8.9 बिलियन से $27 बिलियन है दोस्तों जो कि इनकी वेल्थ हो गई है। मुकेश अंबानी जी की बात करें दोस्तों तो ये मुकेश अंबानी जी पहले थे मेरे ख्याल से 90 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर है जो कि इन्होंने कमाए हैं, 90 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर सोचिए मतलब। ओके, और उससे पहले टॉप 20 के अंदर भी नहीं थे, और अभी टॉप 10 के अंदर दुनिया के छठे रिचेस्ट है जो कि बन चुके हैं COVID-19 के अंदर जो है, मतलब COVID-19 के टाइम पे ये, मतलब ये टॉप 20 के बाहर से सीधे दुनिया के छठे नंबर के रिचेस्ट पर्सन है जो कि बन गए हैं, मतलब बड़ी अजीब बात है ना, इंटरेस्टिंग है। ओके, होपफुली कि वेल्थ टैक्स है जो कि लगा दिया जाए, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि 4% या 6% लगा दिया जाए वेल्थ टैक्स, मतलब इतने पैसे को करेंगे क्या, मतलब यार अगर थोड़ा गरीब हो चल जाए क्या फर्क पड़ेगा एक साल का, अगर इनकी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा अर्निंग चल जाएगी तो सरकार को लगा देना चाहिए वैसे तो, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा करेज चाहिए इतने सारे बिलियनियर्स क्या से पैसे निकालने को लेकर, तो वो मुझे लगता नहीं है कि सरकार में इतना हो पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एक्सप्लेन करने के लिए डिले इन अपॉइंटमेंट्स को लेकर, लॉ कमीशन की जो चेयर है 2018 से दोस्तों खाली पड़ी है। ओके गाइस, तो 2018 के अंदर जो लास्ट चेयरमैन थे वो थे BS चौहान साहब, तो BS चौहान लास्ट 2018 के अंदर रिटायरमेंट हुआ था। लॉ कमीशन का काम क्या होता है, लॉ कमीशन अपना क्या काम करते हैं कि हमारे देश में लॉ के अंदर कौन कौन से बदलाव है जो कि आने चाहिए उसको लेकर दोस्तों लॉ कमीशन है जो कि काम करता है, समझ गए मेरी बात, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि बनाई जाती है, लीगल रिफॉर्म है जो लाने को लेकर यह बनाया जाता है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, समझ गए मेरी बात। फर्स्ट टाइम जो बनाया गया था वो 1834 के अंदर बनाया गया था, और मैंने आपको बता दिया 2018 के बाद से ये खाली पड़ी है पोजीशन, मतलब दिल्ली के अंदर इनका हेडक्वार्टर है, एक चेयरमैन एक परमानेंट मेंबर और कुछ एक लोग है जो कि और होते हैं। अभी जो था ना वो 21वां था, ये 21st लॉ कमीशन था जो कि अभी 2018 के अंदर एंड हो गया, 3 साल से पोजीशन जो है वो अभी खाली पड़ी है, समझ गए मेरी बात। ब्रिटिश टाइम पे पहली बार 1834 के टाइम पे चार्टर एक्ट आया था, आपको याद हो तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो चार्टर एक्ट के टाइम पे दोस्तों फर्स्ट टाइम में जो कि आया था लॉर्ड मैकलॉय था उसने इसका एस्टेब्लिशमेंट है जो कि पहली बार किया था, ठीक है, और 3 साल का इनका टर्म होता है। 1955 में इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी, अभी तक टोटल 21 है जो कि बन चुके हैं, समझ गए मेरी बात। 21 वाले जो थे वो आपके BS चौहान थे, पेपर में सवाल है जो कि बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 16 की तरफ, यहाँ पे बात करेंगे ग्रीन टैक्स को लेकर। तो ग्रीन टैक्स से दोस्तों जो कि अभी लग सकता है, अगर आपका व्हीकल 15 साल से पुराना है तो आपको ग्रीन टैक्स जो कि देने को मिल सकता है। तो जैसे जैसे फ्यूल का टाइप का व्हीकल होगा, ओके, उसी प्रकार से आपको टैक्स जो कि देना पड़ेगा। ओके गाइस, तो देखिए 8 साल से जो भी पुराने व्हीकल्स होंगे उनको टैक्स जो कि देना पड़ेगा, ठीक है, आप डिपेंड करेगा व्हीकल कैसा है, कौन से ट्रांसपोर्टेशन में काम में ले रहे हो, कौन सा फ्यूल है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, अगर मान लो कोई हाइब्रिड है तो उसके ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको पेट्रोल डीजल है तो एनवायरमेंट को बहुत कुछ नुकसान पहुंचाती है पुरानी गाड़ियां, तो ओल्डर व्हीकल्स के ऊपर ग्रीन टैक्स जो कि 15 साल से पुराने हैं उनके ऊपर लगने को लेकर बात बोला जा रहा है। नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है, उन्होंने अप्रूवल है जो कि ये हो गया है इसका, समझ गए मेरी बात, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। 10 से 25% रोड टैक्स जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर 8 साल से ज्यादा जो होंगे उनके ऊपर लगेगा, उनका जब रेन्यूएबल फिटनेस सर्टिफिकेट करवाओगे तो, समझ गए कितना, 10 से 25% जो भी रोड टैक्स होता है उसका देना पड़ेगा अगर 8 साल से ज्यादा पुराना व्हीकल है तो। ओके गाइस, और ग्रीन टैक्स लगेगा 15 साल से पुराने को, 1 अप्रैल 2022 से दोस्तों इसको लागू है जो कि करने को लेकर
बोला जा रहा है। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के, कल को, कल का जो इंडियन एक्सप्रेस था उसमें बताया गया कि 50% दिल्ली के लोगों को हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि अब वो कोविड उनको नहीं होगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे दोस्तों देखिए एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल आया जो कि K2 को लेकर आया है। K2 एक ऐसी चढ़ एक, 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 एक ऐसा माउंटेन है दोस्तों, मतलब माउंट एवरेस्ट जो है उससे भी ज्यादा टफ है K2 के ऊपर स्केलेशन करना, वहां पे माउंटेनियरिंग करना। तो K2 बहुत ज्यादा डेडली है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि K2 के अंदर मतलब जितने लोग पूरी दुनिया में है अगर ना एक्सपेडिशन में K2 में मरते ना उतना कहीं पर भी नहीं मरते। तो यहाँ पे रिसेंटली दोस्तों निर्मल पुर्जा जी की जो टीम ने वो K2 के ऊपर जो है स्केल किया लास्ट वीक के अंदर, और वो भी विंटर्स के अंदर स्केल करना तो मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। तो ये नेपाली टीम थी जिन्होंने K2 को स्केल कर लिया, वो भी विंटर के अंदर। ओके गाइज, और फर्स्ट क्लाइंबर बने जिन्होंने K2 पीक विंटर के अंदर पूरी करी है। ओके, 8611 मीटर की, 8611 मीटर की है सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक आफ्टर माउंट एवरेस्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट से काफी टफ है जो कि K2 को माना जाता है। ओके, K2 कहाँ पर है? पीओके और बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है ना, पाकिस्तान चाइना का जो है अपना जम्मू कश्मीर का जो एरिया है पीओके और चाइना का, वहां पर है K2। तो 1954 के अंदर दोस्तों K2 को पहली बार स्केल किया गया था, 1954 के अंदर। ओके, समझ रहे हो, पहली बार। और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी, बहुत सारे लोग मर गए। उसके बाद में यहाँ पे बैन भी कर दिया गया था माउंटेनियरिंग करना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग स्पोर्ट ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, तो कई लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई, कई लोग यहाँ पे वापस नहीं आ पाए, मतलब। और अभी तक टोटल मिलाओ ना मैं तो 400 के आसपास क्लाइंबर है, मतलब जो कि आज तक वो पीक के ऊपर पहुंच पाए, समझ रहे हो। मतलब जितने लोग आउटर स्पेस में गए ना, अर्थ से बाहर, उतने ही कुछ लोग हैं जो कि K2 के ऊपर जा पाए। और ऐसा बोलते हैं हर एक 6 इंच जब आप चढ़ाई करते हो उसके अंदर तो एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो मतलब अपने आप में बहुत ही ज्यादा मुश्किल माना जाता है। तो इसको यहाँ पे जो है पुर्जा जी ने जो है इसको कर लिया, निर्मल पुर्जा की टीम ने। तो याद रखिएगा, पेपर में पूछेंगे। ठीक है गाइज, गोरखा रेजिमेंट से दोस्तों ये रिटायर थे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो बात करेंगे FDI को लेकर दोस्तों। तो FDI जो है मेजर इकोनॉमिक्स में कम हो गया है, लेकिन इंडिया और चाइना के अंदर FDI है दोस्तों जो कि बढ़ गया है। इंडिया में 13% और पूरी ग्लोबल दोस्तों 42% FDI है जो कि कम हो गया है। इंडिया और चाइना ये दो देश ऐसे हैं दोस्तों जिनके ऊपर काफी ज्यादा उम्मीदें टिकी है ग्लोबल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने को लेकर, समझ गए मेरी बात। तो इंडिया के अंदर आपको 13% पेपर में पूछेंगे। FDI के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी भी इंडियन कंपनी के अंदर जब फॉरेन से कोई पैसा लगाता है ना डायरेक्टली, जैसे कि मान लो अन अकेडमी है, अब अन अकेडमी में मान लो किसी फेसबुक ने 2% हिस्सेदारी खरीद ली है ना पैसे देकर, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको FDI बोलेंगे, समझ गए। बायजू, मेक माई ट्रिप, ओयो ओयो, जितने भी कंपनी, ओला उबर जोमेटो, जितने भी मतलब पैसा लग रहा है ना, ओके, स्विगी वेगी, तो ये FDI कहलाता है जो भी इन्वेस्टमेंट आता है, समझ गए। तो 13% दोस्तों यहाँ पे बढ़ गया, बाकी के जो मेजर इकोनॉमीज है वहां पे दोस्तों डाउनफॉल है जो कि देखने को मिला है। ओके गाइज, चलिए तो ये बात हो चुकी है अपनी, ध्यान रखिएगा ग्रोथ 2020 की है ना 9.6% कॉन्ट्रैक्ट होने के लेकर यूएन ने बोला है कि हम लोग -6.9% है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 2020 के अंदर। ओके, और बाकी सारे कंट्रीज ने ग्रोथ को लेकर भी बोली है, ये देख सकते हो। आगे बात करते हैं, चाइना पासेज यूएस एज ए टॉप स्पॉट फॉर न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यूएस को पीछे छोड़ के दोस्तों चाइना निकल गया है आगे, जब हम बात कर रहे हैं FDI की। चाइना दोस्तों दुनिया में एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसने 2020 के अंदर भी पॉजिटिव ग्रोथ करी है। हमारे पास भी मौका था लेकिन हम शायद हैंडल नहीं कर पाए इतनी अच्छी तरीके से कोविड को। तो चाइना ने $163 बिलियन दोस्तों इनफ्लो लास्ट ईयर किया है, और यूएस में $134 बिलियन है जो कि देखने को मिला है, समझ गए मेरी बात। तो बहुत लार्ज, हमारे यहाँ पे तो कोई 40-50 बिलियन के आसपास है। ठीक है, चलिए डिजिटल सेक्टर के अंदर हमको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला है वैसे। चलिए ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चाइना 2020 के अंदर 2.3% से ग्रो कर रहा है, और ये एकमात्र कंट्री है जो कि पॉजिटिव के अंदर है, पूरे दुनिया को नीचे गिरा के खुद ऊपर चला गया। आगे बात करते हैं, TCS दोस्तों पूरी दुनिया की मोस्ट वैल्यूड IT फर्म है जो कि बन चुकी है, और एसेंचर को इसने बीट कर दिया। तो काफी अच्छी बात है यार, मतलब जब कोई इंडियन कंपनी जो है इतना कुछ अचीव करती है, और तो काफी अच्छा लगता है मतलब, है ना। और इनफैक्ट RIL को भी इन्होंने पीछे करके देश की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के तौर पे कंपनी भी जो है वो आगे बढ़ गई है। मोस्ट वैल्यूड IT कंपनी पूरी दुनिया में बन चुकी है एसेंचर को पीछे करके। ओके, इसको 12 लाख करोड़ रुपए है जो कि मार्केट वैल्यूएशन हो चुकी है, जो रिलायंस की है
वो 12,029 करोड़ की है, 12,29,00,000, और ये 12,34,000 करोड़ की दोस्तों बन चुकी है। ओके गाइज, ठीक है, चलिए। टीसीएस की वैल्यू 169 बिलियन डॉलर मार्केट वैल्यूएशन, ये टीसीएस का है। और रिलायंस की बात करें तो रिलायंस कितना है, 168 बिलियन डॉलर के ऊपर है। ओके ठीक है, समझ गए मेरी बात, होपफुली आपको ध्यान रहेगा। और टीसीएस का एक बहुत बड़ा लार्ज जो अमाउंट है ना, वो इनके फिलेंथ्रोपिस्ट के अंदर जाता है। ओके, आई रिस्पेक्ट रतन टाटा लॉट कंपेरेटिवली मुकेश अंबानी, बिकॉज रतन टाटा की जो वेल्थ है ना वो क्रिएट उन्होंने करी है, लेकिन किस लिए करी है, उनका मेजरली जो 70% जो भी टाटा ग्रुप का जो पैसा है ना वो जाता है किसके अंदर, सोशल सर्विस के अंदर। इसीलिए देश के टॉप 10 के अंदर भी रतन टाटा का नाम नहीं है, जबकि देश की सबसे बड़ी कंपनी है। ओके, टीसीएस, उसके भी वो मालिक है। इवन दो मतलब जो उनका लाइफ स्टाइल देखोगे बहुत ही डाउन टू अर्थ है। कभी पढ़िएगा आप रतन टाटा के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है जो कि आपको मिलेगी। ओके गाइस, तो मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है, और आपको मालूम है दुनिया के 150 लोकेशन के ऊपर, नियर बाय 50-60 कंट्रीज है जहां पे टीसीएस है जो कि ऑपरेट करती है, समझ रहे हो मेरी बात। और दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनना ही बहुत बड़ी बात है। अभी जो चेयरमैन है वो नटराजन जी है, सीईओ और एमडी जो है वो राजेश गोपीनाथन जी है, ठीक है गाइस। और पेरेंट कंपनी जो है वो टाटा सन्स है। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, मतलब जितने भी है ना, टाटा सन इज अ सोल पेरेंट कंपनी, इसी के अंदर आती है आपकी टाटा ग्रुप, उसी के अंदर आपकी टाटा की सारी कंपनी आती है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टाटा सन की शुरुआत हुई थी 1868 के अंदर, किसके द्वारा, टाटा फैमिली के द्वारा, रतन फैमिली के द्वारा, मिस्त्री फैमिली जो है उनके द्वारा, इन सब के द्वारा। तो टाटा ट्रस्ट की जो हिस्सेदारी है ना टाटा ग्रुप के अंदर, टाटा सन्स में, वो 66% की हिस्सेदारी है टाटा सन्स की। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा लार्ज जो है वो शेयर इनके पास है। और जो पलोनजी ग्रुप है उनके पास 18% के समवेयर है। ओके गाइज, ठीक है। रतन टाटा ट्रस्ट भी एक चलता है, आपको मालूम है बहुत ही बड़ा ट्रस्ट है, जिसके अंदर आपके कैंसर हॉस्पिटल, बहुत दुनिया भर की चीजें हैं, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, मतलब इतनी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सोशल सर्विस के अंदर एक्टिव है रतन टाटा। ओके चलिए आगे बात करते हैं। स्पेस एक्स दोस्तों ने रिकॉर्ड स्पेस क्राफ्ट है जो कि स्पेस के अंदर भेजे हैं। हमने इससे पहले इसरो ने 100+ स्पेस क्राफ्ट है जो कि भेजे थे एक सेटेलाइट से दोस्तों, लेकिन यहाँ पे स्पेस एक्स ने जो है उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, और 143 स्पेस क्राफ्ट जो है स्पेस के अंदर है जो कि यहाँ पे भेजे हैं स्पेस एक्स का फेल्कॉन जो 9 है ना, फेल्कॉन 9 जो रॉकेट है उसके द्वारा। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके गाइज, चलिए जनसत्ता की बात करें तो आज सड़क पर, और 1 फरवरी को संसद कूच। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रैक्टर पटे का कल ही आ गया था, मतलब परसों ही आ गया था, तो कल के अखबार में भी था। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो बाइडेन की स्पीच रेडी करते हैं ना, उनका नाम है विनय रेड्डी। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, ये पेपर में सवाल बनेगा आपसे, इनका आर्टिकल आया है इसलिए मैं आपको ये बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर की, तो ट्रैक्टर रैली जो है वो वायलेंट हो गई, फार्मर कैप ने जो है दोस्तों कैपिटल के अंदर जो है वो चले गए। ओके गाइस, तो यहाँ पे फार्मर लीडर ने ब्लेम किया है, जो कई सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स है उन्होंने ये काम है जो कि किया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि फार्मर रैली के अंदर दोस्तों क्या था, कि यूपी, हरियाणा और पंजाब, तीन अलग अलग बॉर्डर के ऊपर ये डिसाइड हुआ था कि तीन अलग अलग जो है ट्रैक्टर रैली होगी, और कैपिटल जो है ना हमारी उसके अंदर ये रैली नहीं होगी। ओके गाइज, लाल किले के आसपास ये नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये रैली स्टार्ट हुई तो उसके बाद में कई सारे लोग हैं जो कि कैपिटल की तरफ चले गए, उनको रोका गया, रोकने के बाद में वायलेंस भी हो गई, कई सारे पुलिस वाले घायल हो गए, और कई सारे किसान भी घायल हो गए हैं। एक आदमी की दोस्तों यहाँ पे मृत्यु भी है जो कि यहाँ पे हो गई है। तो सबसे पहले बात, तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि वायलेंस से कोई भी मूवमेंट है जो कि हमेशा क्या होता है, कम ही होता है, कभी भी बढ़ता नहीं है। तो ओके, तो ये वायलेंस पहली बात तो होना नहीं चाहिए था, पब्लिक प्रॉपर्टी इस तरीके से डैमेज होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो ये तो खैर ऑब्वियसली गलत हुआ है, और जिन लोगों ने किया है उनको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, पता करना चाहिए। जैसे कि यूएस में भी ऐसा हो रहा है कि जिन जिन लोगों ने वायलेंस करी थी ना, उन सबको जेल में डाल रहे हैं पकड़ पकड़ के वीडियो के थ्रू, तो यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए। ओके, लेकिन जो फार्मर के लीडर है उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि ये हमारे द्वारा नहीं किया गया है, ये कई सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके द्वारा किया गया है। ओके, वापस से बॉर्डर के ऊपर जो है ये हो चुका है, मतलब ठीक है, वापस से जो है मूवमेंट वापस बॉर्डर की तरफ चला गया है, ठीक है गाइस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आदमी जो है वो ऊपर खंबे के ऊपर चढ़ के, भाई साहब ने जो है वो झंडा भी लगा दिया यहाँ पे। तो ये देखिए, मतलब कई सारे आपको बहुत बड़ी रैली है जो कि किसानों को देखने को मिलेगी, और ना सिर्फ दोस्तों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया, मुंबई हो गया, पूरे इंडिया के अंदर दोस्तों फार्मर प्रोटेस्ट है जो कि कल देखने को मिला है।
ओके, तो सरकार को सुन लेनी चाहिए, मतलब इसकी जरूरत ही ना पड़े आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और ये मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार को सबसे पहले तो फार्मर बिल जो है वो वापस लेने चाहिए, क्योंकि जब लाखों किसान इस तरीके से रोड के ऊपर है, तो मतलब अगर जनता के लिए ही गवर्नमेंट काम करती है और जब जनता ही सुखी नहीं है, जनता ही इतनी रोडों के ऊपर इतनी सर्दियों के अंदर परेशान हो रही है, इतने बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे हैं, तो सरकार को पीछे हट जाना चाहिए। मतलब इसके अंदर कोई नाक का सवाल नहीं है, सरकार जो काम करती है वो जनता के वेलफेयर के लिए करती है। तो यहाँ पे लार्ज आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। और एक और बहुत बड़ा इशू जब ये हो गया कि कल शाम तक दोस्तों ऐसे बहुत सारे फेक जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर ट्रॉल आने लग गए कि कई लोगों ने जो है वो खालिस्तान के जो है वो झंडे लगा दिए। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के फ्लैग के साथ में और भी बहुत सारे फ्लैग्स हैं जो कि किसान रैली के अंदर है, और ये जो फ्लैग्स है ना ये एक्चुअली के अंदर दोस्तों सिखिज्म के अंदर बहुत ही कॉमन फ्लैग्स है जो कि गुरुद्वारा के बाहर लगते हैं। ओके, गुरुद्वारा के बाहर है जो कि इनको लगाए जाते हैं। साउथ इंडिया के अंदर भी दोस्तों बहुत सारे रैलीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि देखने को मिली है। तो पूरे इंडिया के अंदर ये लार्ज प्रोटेस्ट है जो कि देखने को मिला। ये देखो भाई, ये भाई जो है वो इतने ऊंचे खंभे के ऊपर लाल किले के ऊपर चढ़ गया। हालांकि कह रही है ऐसा करना नहीं चाहिए, मतलब पहली बात तो ये इस तरीके से लाल किले के ऊपर जाके करना नहीं चाहिए, क्योंकि लाल किला अपने आप में एक देश की प्रेस्टीज माना जाता है। लेकिन शाम तक दोस्तों बहुत ज्यादा मिथ है जो कि सोसाइटी में फैला दिया गया और ये बोल दिया गया कि इंडिया के फ्लैग को हटा दिया गया है, यहाँ पे खालिस्तान का फ्लैग लगा दिया गया। ऐसे बहुत सारे फेक व्हाट्सएप पे ऊपर ग्रुप बन गए और आईटी सेल जो आपको मालूम है काम करती है, उन्होंने इस तरीके के काम स्टार्ट कर दिए मूवमेंट को कम करने को लेकर। तो एक्चुअली मैं देखिए इसके ऊपर थोड़ी मैंने पड़ताल करी मिथ को लेकर, फैक्ट को लेकर। तो ये जो फ्लैग जो आपको नजर आते हैं ये निशान साहिब के फ्लैग है, इनको क्या बोलते हैं, निशान साहिब फ्लैग है जो कि कहते हैं, और ये गुरुद्वारा के अंदर दोस्तों नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फैक्ट चेक के अंदर बताया गया, ट्रुथ जो बताया गया फ्लैग होस्टिंग का, तो यहाँ पे बताया गया इट वाज नॉट ए खालिस्तानी फ्लैग बट ए निशान साहिब, एक रिलीजियस फ्लैग है सिखिज्म का जो कि रेड फोर्ट के ऊपर लगाया गया, और जो ठीक है आपको गुरुद्वारा के बाहर भी देखने को मिलता है। हालांकि खैर ये भी तो खैर मेरे अकॉर्डिंगली तो नहीं लगाना चाहिए था, मतलब ओके, लेकिन जो ये मिथ फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल भी गलत है, मतलब है ना। ओके, फ्लैग होस्ट जो है वो रेड फोर्ट के ऊपर फार्मर्स का है, नॉट खालिस्तान। ओके गाइस, तो ये इनको किसान साहब गुरुद्वारा के बाहर भी आपको ये वाले फ्लैग्स है जो कि देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्ट चेक के अंदर, ओके, ना तो रिप्लेस किया गया है इंडिया के झंडे को और ना ही प्रमोट किया गया है खालिस्तान को। तो एक ये बहुत बड़ा मिथ है जो कि फैलाया शाम तक कई लोगों के द्वारा गया है। इसके अलावा दोस्तों काफी पीसफुली जो है वो सुबह 26 जनवरी की जो हमारी परेड है वो हमको यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है गाइस, यहाँ पे दोस्तों पेपर में आपसे पूछेंगे किसको लेकर, भावना कांत को लेकर, जो कि पहली वुमेन फाइटर पायलट बनी है जिन्होंने परेड के अंदर पार्टिसिपेट किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसको लेकर, भावना कांत को लेकर। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का टैब्लू है जहां पर राम मंदिर है जो कि दर्शाया गया है। ये हमारे दोस्तों जवानों की बहुत ही जबरदस्त परेड है जो कि दिखाई गई, राफेल भी दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया। ओके गाइस, इसके अलावा पेज नंबर 13 पे चले दोस्तों, तो यहाँ पे आज के पेपर के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो इटली के प्रधानमंत्री है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, कॉन्टे ने इस्तीफा क्यों दिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे COVID-19 को ये अच्छे से टैकल नहीं कर पाए और इनके साथ में जो कोलिशन गवर्नमेंट के लोग थे वो काफी टाइम से दोस्तों बोल रहे थे इस क्राइसिस को लेकर, तो इस क्राइसिस की वजह से इटली के प्रधानमंत्री ने दोस्तों यहाँ पे क्विट कर दिया है। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो विड्रॉल हो गया कोलिशन, ओके, इस हैंडलिंग ऑफ आउटब्रेक को लेकर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नई गवर्नमेंट है जो कि बनाई जाएगी। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं यरवदा टूरिज्म को लेकर, और यरवदा टूरिज्म को महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों प्रमोट किया है ताकि यहाँ पे जेल टूरिज्म हो। पेपर में पूछेंगे कि भाई ये जेल टूरिज्म किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया जा रहा है। पुणे की यरवदा जेल आपको मालूम है बहुत ही फेमस जेल है, हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कि इसके अंदर जा चुके थे। तो स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर यहाँ पे विजिटर्स को दिखाया जाएगा, इसके इतिहास के बारे में बताया जाएगा। ओके गाइस, इसको लेकर इसकी शुरुआत करी गई। तो आप देख सकते हो जनसत्ता में बताया गया लाल किले पे कब्जा, लहराया अपना झंडा, तो यहाँ पे देख सकते हो ये भाई जो है इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ओके ठीक है, यहाँ पे रंग दे बसंती के गाने चले हैं और जय जवान जय किसान के नारे पूरे रास्ते पर चले। ओके, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो दिल्ली के अंदर इनका वेलकम भी किया, मतलब बहुत सारे चीजें हैं जो कि कल दिल्ली के अंदर हो गई, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली वैसे नहीं होना चाहिए। वायलेंस किसी भी तौर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायलेंस से हर एक मूवमेंट जो है वो क्या होता है कि उसका डाउनफॉल होता है। आज से कई साल पहले हमने SSC मूवमेंट किया था, SSC प्रोटेस्ट किया था दिल्ली के अंदर, आपको मालूम होगा है ना, दिल्ली के अंदर SSC ऑफिस के सामने। ओके, तो उस टाइम पे वी हैव
श्योर कि ये मूवमेंट किसी भी तरीके से कोई भी स्टूडेंट जो है वहां पे वायलेंस क्रिएट ना करे, ओके, और शांति से सभी लोग ले, और कई दिन तक, 7 दिन तक मतलब वहां पे बिल्कुल पीसफुल मूवमेंट किया गया था। उसी के बाद से एसएससी जो है वो लाइन के ऊपर आई है, आपको मालूम है ना। तो हमेशा मूवमेंट पीसफुल होता है तो ही जो है वो चीजें आगे बढ़ती है, ओके, क्योंकि वायलेंस से आप कभी नहीं जीत सकते। मतलब एक गवर्नमेंट से, एक हमारे जवानों से आपस में लड़ने का कोई सलूशन ही नहीं है ना, वो तो आपस में नुकसान करने का क्या फायदा। ओके, कोई ब्रिटिशर्स तो है नहीं आज के टाइम पे जिनसे आप लड़ोगे। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आईटीबीपी के जवान, बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है जो कि यहाँ पे पैंगोंग लेक की दिखाई गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है, एक पिक है जो कि मैंने देखी, तो आप लोगों के साथ में शेयर करी है। ये हमारे आईटीबीपी के जवान है दोस्तों, पैंगोंग सो लेक के पास में। ओके, आगे बात करते हैं। आईएमएफ ने दोस्तों बोला है कि 11% की वृद्धि है जो कि भारत करेगा दोस्तों इस साल 2021 के अंदर, जो भारत की वृद्धि 11% बताई गई है, और ऐसा बोला जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो है ना 10% से ऊपर एक ही देश है जो कि ग्रोथ कर सकता है, वो इंडिया का है। हालांकि देखते हैं मतलब वो तो खैर कितनी रियलिटी क्या होगी, लेकिन अभी आईएमएफ के द्वारा बताया गया है तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। 2020 के अंदर -8% है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ऐसा आईएमएफ के द्वारा बताया गया, लेकिन 2021 के अंदर दोस्तों ग्रोथ है जो कि काफी ऊपर हो जाएगी। ओके गाइस, ठीक है, तो ये बताया गया, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि जो चीज नीचे जाती है ना वो मतलब ऊपर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मतलब आगे जाएगी, तो लेकिन 10% से ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया में नेगेटिव में भी सबसे ज्यादा हमारी है, तो मतलब ऑब्वियस बात है कि ग्रोथ पॉजिटिव में भी सबसे ज्यादा चांसेस हमारे ये ऊपर जाने के। तो ये आईएमएफ के द्वारा बताया गया, पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। जो है लूनर सैंपल को लेकर, लूनर सैंपल 760-015-143। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लूनर, ये सैंपल है, ये क्या है, चांद का टुकड़ा है ये, मतलब जो कि एक्चुअली में नासा के द्वारा लाया गया था। ओके गाइस, गाने बनते हैं चांद सा रोशन चेहरा और चांद का टुकड़ा, तो कुछ इसी प्रकार से देख सकते हो, ये रियलिटी में चांद का टुकड़ा है दोस्तों, जो कि 46 यूएस प्रेसिडेंट, ओके, बाइडेन के ऑफिस में जो है वो रखा गया है। ओके गाइस, ठीक है, चलिए। और ये अपोलो 17 मिशन हुआ था 1972 के अंदर, है ना, तो रॉक मून है, तब उस टाइम पे कलेक्ट करी गई थी एस्ट्रोनॉट के द्वारा। ओके गाइस, 760 है जो कि इसको कहते हैं, 350 ग्राम का है, 332 ग्राम का है। अपोलो 17 एस्ट्रोनॉट थे रोनाल्ड, उनके द्वारा ये लेके आया गया था, मून वॉकर थे हैरिसन कार्नेन, उनके द्वारा लास्ट मिशन था अपोलो 17 जो कि इंसानों को चांद के ऊपर भेजा गया था 1972 के अंदर। ओके गाइस, चलिए, और इसको यूएस अमेरिका प्रेसिडेंट के वहां पे रखा गया है। ठीक है गाइस, अपोलो 17 के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं मतलब, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड को लेकर। ग्रीन बॉन्ड दोस्तों क्या होते हैं, जब आप ग्रीन इकोनॉमी के अंदर पैसा लगाते हो, ग्रीन इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो बॉन्ड जारी होते हैं उनको अपन लोग ग्रीन बॉन्ड है जो कि कहते हैं। 2015 में इसको इश्यू करे गए थे, 5 से 10 साल का इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, तो गवर्नमेंट के प्रपोजल के अंदर ग्रीन एनर्जी के अंदर या ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर ग्रीन बॉन्ड है जो कि जारी करे जाते हैं, समझ गए मेरी बात। ओके, तो जितने भी हमारे यहाँ पे बॉन्ड है उसका मात्र 0.7% है दोस्तों जो कि ग्रीन बॉन्ड है। ओके, तो ये यहाँ पे बताया गया है, ये देख सकते हो आप, रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा लगाना है, किसी भी प्रोजेक्ट में, क्लीन एनर्जी में, इसको ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेशनल टूरिज्म डे दोस्तों जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म मनाया जाता है। ओके गाइस, आपको मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों टूरिज्म हमारे देश में, और नियर बाय 8% जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन, और 13% दोस्तों जो भी हमारे यहाँ पे जॉब्स में कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि टूरिज्म के द्वारा होता है। इस साल की थीम है देखो अपना देश है जो कि यहाँ पे रखी गई है, तो आप देख सकते हैं हमारे देश के अंदर दोस्तों 1 करोड़ लोग हैं जो कि 2019 में घूमने आए थे, फॉरेनर, समझ गए मेरी बात। एनुअल ग्रोथ 5.2% की थी। ओके, नॉन रेसिडेंट इंडियन की बात करें तो एनआरआई वो थे 68 लाख के आसपास जो कि हमारे इंडिया में घूमने आए थे। ओके गाइस, तो टोटल अगर मैं इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करूं तो 1.7 करोड़ है अगर एनआरआई और इंटरनेशनल टूरिस्ट को मिला लिया जाए तो, जो कि 2019 में घूमने में आए। फॉरेन टू कैसे आए थे, 80% जो है एयर के थ्रू आए, दिल्ली एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं 28%, सेकंड पे मुंबई, थर्ड पे लैंड चेक पोस्ट के माध्यम से आते हैं। सबसे ज्यादा फॉरेनर जो इंडिया के अंदर घूमने आए वो आए बांग्लादेशी, 21% दोस्तों बांग्लादेश के लोग थे। बांग्लादेश वालों के लिए भारत जो है वो बहुत ही फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन है। ओके, सेकंड नंबर पे दोस्तों आए यूएस के, थर्ड के ऊपर आए यूके के, उसके बाद में फोर्थ पे श्रीलंका के लोग हैं जो कि भारत में आए हैं, समझ गए, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से। अर्निंग जो हुई है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए की दोस्तों अर्निंग है
जो कि हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है जो कि टूरिज्म से होती है, तो बहुत बड़ा मार्केट है मतलब। ओके, और अगर मैं हमारे सिर्फ इंडियन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 2.5 करोड़ इंडियन है, डोमेस्टिक टूरिस्ट है, जो कि हमारे आपस में मतलब कंट्री के अंदर घूम रहे थे। ओके, होटल्स की बात करें 2,000 के आसपास, रूम्स की बात करें तो 1 लाख के आसपास रूम हमारे देश में अवेलेबल है। ओके गाइस, 200 के आसपास अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंसीज हैं एंड सो ऑन। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उद्यम, यहाँ पे सारथी ऐप है जो कि लॉन्च किया है युवाओं के लिए दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया है। 71 फाउंडेशन डे जो उत्तर प्रदेश का था तब इसको लॉन्च किया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जॉब इंडस्ट्री को क्रिएट करने को लेकर उद्यम सारथी ऐप है जो कि लॉन्च है, जो कि करी गई है। ओके गाइस, जॉय बाइडन ने एक्सरसाइज करी है, जो इनकी एक्सरसाइज बाइक होती है ना उसको सिक्योरिटी चैटर से दोस्तों देखने को मिली है। तो ये पेलेटॉन नाम की एक बाइक है, पेलेटॉन नाम की बाइक है ओके, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है बराक ओबामा से लेकर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे लाइव जो है क्या होता है कि आपका कोच होता है जो कि आपको यहाँ पे ट्रेन करता है। ये बाइक है 2 लाख रुपए की बाइक है। ओके, दिनेश सर, कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर दिनेश सर कहाँ पर है, दिनेश सर कहाँ पर है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो गाइस कि दिनेश सर जो है ना, जिन जो बच्चे जानते होंगे दिनेश सर को, तो दिनेश सर की एक नई कंपनी है जिसका नाम है ट्रेड। ओके, ट्रेड भी दोस्तों इंडियन कॉम्पिटिटर है पेलेटॉन का। ओके, तो इंडिया के अंदर जो ट्रेड का कॉम्पिटिटर जो कंपनी है जो कि बाइक अवेलेबल करवा रही है वो दिनेश सर की कंपनी है दूसरी। ओके, और पिछले 1 साल से जो है वो ट्रेड कंपनी है जो कि वो उसके सीईओ है, और ट्रेड कंपनी है जो कि वो चला रहे हैं, और काफी मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो पेलेटॉन का जो कॉम्पिटिशन है ना वो दिनेश सर की कंपनी है जो कि दे रही है, जिसका नाम है ट्रेड। ओके गाइज, ठीक है, तो हनुमान सर और दिनेश सर दोनों जो है अभी इसी के अंदर काम कर रहे हैं। ओके, और इंडिया के अंदर जो है इसकी सून बहुत ही जल्दी है जो कि लॉन्चिंग होने वाली है, और इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, 2 लाख रुपए में मतलब दुनिया में मिलती है। इंडिया के अंदर जो ट्रेड है वो मात्र 50,000 रुपीज के अंदर है जो कि मिलना स्टार्ट होगी अभी 1 महीने बाद से। तो ये जॉय बाइडन की एक्सरसाइज है जिसका नाम है पेलेटॉन। तो इसके अंदर क्या जीपीएस वीपीएस बहुत सारी चीजें लगी होती है, तो व्हाइट हाउस के अंदर इसको क्या किया गया है, चेक किया गया है। ओके गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए पेलेटॉन बाइक, इसके बारे में बता चुका हूं मैं आपको, 2 लाख रुपए के आसपास के, 3,000 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन होता है इसका। ओके, कुछ इस तरीके से ये आगे आया। ओके चलिए, इसके अलावा गाइस एक कल बहुत बड़ा स्पेशल अनाउंसमेंट है जो कि मैंने स्माइल फॉर ऑल के ऊपर किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कल जाके देख लीजिएगा। बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि मैंने किया है इन देश के बच्चों के लिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे ठीक है, वाईफाई डे के बाद में जो मेरा सपना है वो मेरा तो सोशल वेलफेयर का ही है मतलब। ओके, और टिल माई लास्ट ब्रेथ मतलब मैं यही करने वाला हूँ। तो एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन है जो कि लॉन्च किया, हमेशा आपने नेटफ्लिक्स के बारे में सुना होगा, अमेजन के सब्सक्रिप्शन के बारे में सुना होगा, तो कल वी हैव लॉन्च हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन जिसमें मात्र 500 रुपए पर मंथ एक पिज्जा की कॉस्ट के ऊपर आप एक बच्चे को, एक किड को पर मंथ स्कूल के अंदर जो है शिक्षा है जो कि मिलेगी। अगर कोई फाइनेंशियली अडॉप्ट कर रहा है एक बच्चे को 500 रुपए पर मंथ में, तो पूरे महीना वो बच्चा स्कूल जाएगा। तो मतलब 500 रुपए पर मंथ इज नॉट ए बिग अमाउंट किसी एक बच्चे को जो है फाइनेंशियली अडॉप्ट करने को लेकर। तो देश में सोचिए कि अगर 10 मिलियन लोग जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, अगर सब कोई सोच ले कि मुझे एक ऐसे बच्चे को पढ़ाना है जो कि स्कूल नहीं जा पा रहा है, रोड के ऊपर भीख मांग रहा है, तो मुझे लगता है कि इट विल बी अ बिग चेंज इन द सोसाइटी। तो 1 करोड़ बच्चे हैं जो कि स्कूल में चले जाएंगे और एक उनको क्वालिटी एजुकेशन है जो कि मिल जाएगी। ओके, तो ये एक अनाउंसमेंट था छोटा सा जो कि मैंने किया था, आप देख सकते हैं जाके। कल के दिन की इतिहास की बात करें तो स्वराज डे दोस्तों मनाया गया 1930 के अंदर, इसी वजह से हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बाद में मनाया। ओके गाइस, ठीक है, डेमोक्रेसी हमारे देश में स्टैब्लिश कर ली गई, अशोक पिलर जो है वो नेशनल एम्बलम बना, राजगोपालाचारी दोस्तों गवर्नर जनरल से हटे, और राजेंद्र प्रसाद जी को पहले प्रेसिडेंट है जो कि बनाया गया। ओके गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया 26 जनवरी को पिकॉक नेशनल बर्ड जो है वो डिक्लेयर किया 1963 में, और 1972 के अंदर नेशनल मेमोरियल अमर जवान ज्योति है जो कि इंडिया गेट के ऊपर स्टैब्लिश कर दिया गया। आज के फन फैक्ट की बात करें तो कल का फन फैक्ट था वेनम दोस्तों, जो कोबरा का जो जहर होता है ना, 1 ml आपको मालूम है वो 150 लोगों को मार सकता है। ओके, किंग कोबरा, इसीलिए इसको किंग कोबरा कहते हैं। इसके अलावा अनकैम्पिंग, आपको ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो आप BHU10 यूज करके ले सकते हैं, 10% ऑफ है जो कि आपको हाथों हाथ मिल जाएगा SSC UPSC किसी भी कैटेगरी के अंदर। ओके गाइस, इसके अलावा कैसे लेना है आपको मालूम है, अनअकैडमी आप डाउनलोड करके बैंक SSC IIT JEE ओके UPSC किसी में भी जाइए, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए। ओके, फिर 3 12 महीने 24 महीने का ले लीजिए, नीचे रेफरल कोड पूछे जाएगा, तो BHU10 है जो कि लगा दीजिएगा। ओके ठीक है, EMI के थ्रू आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पहला सवाल है,
हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को संसद भंग करने के अपने फैसले पर सत्तारूढ़ पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ओली की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उद्यम सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? निम्नलिखित में से कौन कथन उत्तर पूर्वी परिषद के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मिशन है जिसने मनुष्य के चंद्र सतह पर पैर रखने के लिए भेजा गया था? तो ये था दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।